अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग ये प्रोसीजरल टून रेनबो बनाना सीखेंगे ब्लेंडर के अंदर। ये देखें, एनिमेटेड भी है पूरी तरह से, देख लें ये पूरा सा एनिमेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लेंडर में जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आप वर्ल्ड का कलर है ना, ये स्टाइल लाइटिश ब्लू सा जो कलर है, इसका एक्सकोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लाइटिश ब्लू सा कलर आप रख लेंगे, आसमान की तरह होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो आप ये देख रहे थे बादल जो थे इसके अंदर, ठीक, ये बादल असल में ना मेटाबॉल्स हैं। ठीक है, मेटाबॉल्स। अब इतनी कोई मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन की है नहीं, मैं आपको मैंने यहाँ से उसी से क्लॉज बनाया है। बेसिकली आइडिया ये है कि मेटाबॉल्स आम मैश की तरह नहीं है। ठीक है, मैं आपको आपको बताता हूँ। शिफ्ट ए मैश, और मैश नहीं कह रहा हूँ, मेटाबॉल, मेटाबॉल, और मैं बॉल यूज़ करूँगा। ठीक है, उसे जीज बाकी से ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, इसे स्केल करके इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं आम मैश की तरह से। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस ये आम मैश से, जब मैं इसे डुप्लीकेट करके देखें इसका एक और कॉपी लाता हूँ, तो ये देखें इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे वाले के साथ ऑटोमेटिकली, मतलब उसके साथ जुड़ा है, जो ये एक दूसरे की रेंज में आते हैं। उस तरह से शिफ्ट डी करके मैं कर लूँ, ये देखें इस तरह से वो जुड़ी जुड़ी एक मैश सी जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5-6 एक मेटाबॉल से क्लाउड्स किए हैं और उसे डुप्लीकेट करके कर दिया। तो ये आप खुद से मतलब बना सकते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस मेटाबॉल को शिफ्ट ए करके ले आए, ठीक है, सर्कल को, सर्कल वाले बाद जो बाद वाला मेटाबॉल उसे ले आए, उन्हें 2-3 डुप्लीकेट, 4-5 एक डुप्लीकेट बनाकर उन्हें जोड़ लें, तो ये इस तरह से क्लाउड्स आपको बन जाएंगे ज्यादा सारे। मैंने आई थिंक 6-7 इस्तेमाल किए थे, तो इसके आप डिलीट कर देता हूँ। और इसका क्या प्रॉब्लम है कि लिंकिंग अक्सर कर लेता होता है दूसरे मेटाबॉल्स के साथ, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है हो जाता है इनको डिलीट चेट करते हुए देखना पड़ता है। तो ये इस तरह से मतलब सेपरेटली यहाँ से आप डिलीट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, साइड मेन्यू से उधर डायरेक्ट डिलीट करने से आप देख लें ऑटोमेटिकली नीचे वाला गायब होगा सर डिलीट वगैरह। तो उसके बाद हम लोग अब आगे से लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं एक नया कलेक्शन बना लेता हूँ, ये हमारा रेमो कलेक्शन होगा। ठीक है, कैमरा मैंने पहले से इस पर रखा हुआ, सेटअप किया हुआ। ठीक है, कैमरा को बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि दोनों जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, वो साइड साइड पे कोने पे आए, और बाकी जो रेमो है वो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमें चाहिए शिफ्ट ए मैश प्लेन। ठीक हो गया, ये भी मेटाबॉल्स वाले कलेक्शन में भी हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसे RX90 कर लें। ठीक है, और फिर कंट्रोल ए दबाएं और फिर साइड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें। ठीक हो गया, फिर हम लोग टैब वाक एडवर्ट में चल जाते हैं। ठीक हो गया, और फिर ये साइड तीन जो वर्टिसेस हैं इसकी, ये एजेस हैं, इन्हें डिलीट कर दें, सिर्फ एक को छोड़ के ना। ठीक है, कोई भी एक छोड़ दें और बाकी सारों को एक्स दबा के डिलीट कर दें। ठीक है, फिर आप ये सिर्फ देखेंगे एक वर्टिस मेरे पास यहाँ पर रह गया, और इसमें यू मूव करके सेंटर में ले आता हूँ। ठीक हो गया, तो ये जो है हम लोग इस, अब फिर से मैं क्लाउड्स को सामने शेवा करता हूँ कि मुझे आइडिया चाहिए। तो मैं इसे टैब अभी भी एडवर्ड में हूँ। ठीक है, मैं एक्सट्रूड करके इसे ऊपर लेके जाता हूँ इस तरह से। ठीक, और फिर ई दबा के फिर से मैं नीचे ले जाता हूँ दूसरे क्लाउड के अंदर। ठीक हो गया, फिर मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ। ठीक है, इसे सेलेक्ट ऑल दबा देता हूँ और राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर लेता हूँ, और फिर से सिर्फ ये जो साइड वाली है इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर स्केल करके नई चौड़ाई में ले आता हूँ। फिर टैब दबा के एड मोड से बाहर आ जाता हूँ। फिर मॉडिफायर्स के ऊपर मैं ऐड करता हूँ, वो होगा सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर। ठीक है, उसकी दो रेंडर मिले, फिर टैब जाकर फिर राइट बोर्ड में चल जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा ठीक शीख लगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा, पहली बार में सब कुछ मतलब ठीक से बनाने होता होता, तो मेरे ख्याल से ये देखने में अब ठीक ही लग रही है, इतनी आई थिंक काफ़ी है। हाँ, ठीक हो गया, तो ये जो है हमारी अब कर बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा और सब प्रोवाइड करता हूँ, और फिर मैं इसे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और फिर से ये भी मैश थी ना, तो उसे ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व फ्रॉम मैश टेक्स्ट। ठीक है, अब ये कर्व बन जाएगी। ठीक हो गया, अब ये जो प्लेन 001 है ये असल में एक कर्व बन चुकी है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टेप करूंगा वो शिफ्ट ए, फिर मैं फिर से ये क्लाउड हाइड करता हूँ। ठीक, और मैं शिफ्ट ए करता हूँ, मैश प्लेन RX90। ठीक है, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्मेशन फिर से करता हूँ, टैब लॉक एडिट मोड में चल जाए, और फिर से एस एक्स करें ताकि एस एक्सिस के ऊपर स्केल होकर लंबी होती जाए। ठीक हो गया, और फिर कंट्रोल आर दबा के काफ़ी सारे लूप कट्स क्रिएट कर लें। ठीक है, और फिर उन्हें इंटर दबा के माउस को बटन दबा के कंफर्म कर लें, और फिर सेलेक्ट ऑल करके GX करके साइड पे कर दें कि ये जो आखिरी इसका जो कोना है ना, ये जो आखिरी कोना है इसका, ये इस ओरिजिन के साथ करीब होना चाहिए। तो GX करके तकरीबन तकरीबन इसका साथ हो जाए अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आपको चाहिए। ठीक हो गया, तो अब हम लोग SX करके मतलब थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं, ये बार बार आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, एक ही बार में ये शायद नहीं होगा आपसे, ना ही मुझसे हो रहा है। तो इसे फिर कंट्रोल लेट बाकी ऑल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई में कर देता हूँ। तो अब ये जो प्लेन सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, इसे मैं रेनबो का नाम दे देता हूँ ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग एड मॉडिफायर करेंगे। ठीक, और जो है कर्व मॉडिफायर जो है वो करते हैं, और इसके अंदर हम लोग सेलेक्ट करते होते हैं ये जो रेनबो है ये सेलेक्ट करता है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से क्रिएट हो गया, वैसे रेनबो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी आखिरी दो साइड्स, पोर्शनल लाइटिंग ऑल करके से GX साइड में मुकर रहता हूँ, इतना कि ये वापस इस तरह से इसके अंदर रेंज के अंदर रहे, पर हम लोग चाहें क्लाउड्स के अंदर वो छुपी रहे। ठीक हो गया, तो अभी के लिए क्लाउड्स को मैं फिर से हाइड कर रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है।
ठीक हो गया। तो अभी अप्लाई नहीं करना, सबसे जरूरी चीज़ ये है, कर्म मोड पर अप्लाई नहीं करना, मतलब जो मटेरियल हमारा है वो मसला करना शुरू कर देगा। तो हम लोग न्यू मटेरियल करते हैं, ठीक है, इसका नाम है रेमबो टू नाम रख लेता हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग अब शेडिंग टैब में चले जाते हैं, ठीक है। शेडिंग टैब के अंदर हम लोग अपना मटेरियल क्रिएट करेंगे, सारा जो रेमबो वाला मटेरियल शेप हमारे पास बन गया, सारे क्लाउड्स भी हमारे बने हुए हैं, अब बस जो उसका मटेरियल असली चीज़ वही रहती है, तो वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये अब सेटिंग साथ देख लें, सिर्फ ब्लूम अपने ऑन करनी है और कुछ नहीं करनी, ठीक है। जो मटेरियल है उसके अंदर आपने जो करना है वो है ब्लेंड मोड है, अल्फा ब्लेंड कर दें, ठीक है, अल्फा ब्लेंड कर दें। और शैडो मोड जो है, अगर बाई चांस आप किसी वजह पर यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतरीन ऑप्शन ये रहेगा आप नन रखें, मतलब रेमबो का ज़्यादा पता कुछ साया तो होता नहीं जितना मुझे पता है, तो उस वजह से महल से इसे नन रखना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो प्रिंसिपल बी एस टी एफ को डिलीट कर दें, हमें नहीं चाहिए, हमें बस आउटपुट वाला चाहिए। फिर शिफ्ट ए दबाएँ, ठीक है, और मिक्स शेडर चाहिए, ठीक है, उसे इसके साथ प्लगइन यहाँ पे कर दें। फिर उसके बाद हमें चाहिए एक, क्योंकि रेनबो रोशनी होती होती है तो हम लोग चाह रहे हैं इमिशन इमिसिव हो, इमिशन शेडर चाहिए, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंट चाहिए। ये दोनों को साथ कनेक्ट कर दें इस मिक्स शेडर के साथ, ठीक हो गया। और जो इमिशन शेडर है उसकी स्ट्रेंथ 5 रखते हैं, आप डिफरेंट रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमें चाहिए एक कलर रैम्प, उसका कलर जो है इसके फैक्टर के साथ प्लगइन कर दें, ठीक। और उसके साथ अभी हमें एक सेपरेट एक्स वाई जी चाहिए होगी, सेपरेट एक्स वाई जी, तो इस बार इसमें आप एक्स रखें यहाँ पे, ठीक। और फिर शिफ्ट ए मैपिंग नोड चाहिए, और शिफ्ट ए टेक्सचर कोऑर्डिनेट जो है, ठीक, वो चाहिए। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट वाला है वो इसके वेक्टर के साथ प्लगइन कर लें, और उससे मुझे याद है लेआउट में वापस चल जाएँ, शिफ्ट ए करें और एम टी जो है प्लेन एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। जो एम टी है ये हमारा वो होगा, कंट्रोलर होगा इसके लिए, जो हम लोग एनिमेशन बाद में क्रिएट करेंगे। तो वापस शेडिंग में चले चलते हैं, ठीक हो गया, और मैं इसे वापस सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो आप एम टी जो अभी हमने ऐड किया है, ठीक, इसका नाम मैं देख लेता हूँ क्योंकि मेरे हल से इसका नेम है एम टी, मेरा एम टी डबल जरूर बना है, आपका सिंपल एम टी होगा। तो एम टी को जो है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये इधर से हो गया, और इसके जो वेक्टर हैं इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं इसे। अभी ऑब्वियसली मटेरियल कंप्लीट नहीं है, इस वजह से इस तरह लग रहा है, तो अभी मैं थोड़ी सी और फिनिशिंग टचेस भी रहते हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी। तो उसके बाद जो ये सारा सेटअप है कलर रैम से लेके ये सारा जो है इसे सेलेक्ट कर लें, और फिर शिफ्ट डी इसे करके नीचे ले आए, ठीक हो गया। और इसे एक्स के बजाय जेड के साथ कनेक्ट कर लें कलर रैम के साथ, और इस कलर रैम को जो है इमिशन शेडर उसके साथ कनेक्ट कर दें, और जो है ये एम्प्टी को रिमूव कर दो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जनरेटेड कर दें इस वाले के अंदर, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से सेटअप अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, सेटअप अभी हमारा रहता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हैं, ठीक है, लीनियर के बजाय आप कांस्टेंट कर लें, ठीक हो गया। और जो कलर्स हैं वो आप रेनबो के 7 कलर होते हैं ना, तो आप इस तरह से अपने हिसाब से मतलब जो जो कलर आपको सही लग रहे हैं, ठीक है, मैं कर लेता हूँ एक ऑरेंज रख लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी के लिए कम कलर रखूँगा क्योंकि आप ज़्यादा कलर आप खुद से ऐड कर सकते हैं, कोई तो कितनी मर्जी से आप रेड रख लेते हैं, वाइट की जगह ब्लू रख लेते हैं, ठीक। तो जितने कलर्स आप रखेंगे ना उतना बेहतर है, क्योंकि अभी ये सीधा असली नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा था वजह से क्या है कि जब एक ग्रीन रखते हैं, ठीक है, 7 कलर हमने पूरे करने वाले, तो वो मैं बस रैंडम कलर अभी के लिए मैं रख लूँ, ठीक है। तो बेशक अगर थोड़ी प्यारी ना लगे तो माइन ना कीजिएगा, हमें टोटल 7 कलर चाहिए जो इवन डिस्टेंस में हो, ठीक है। तो 1 को जो है ये टोटल वैल्यू 1 बनती है ना इसकी, तो 1 को जो है ना आप 7 के ऊपर डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, तो वो कुछ 1.04 समथिंग ऐसा कुछ बनता होता है, और 7 कलर वहाँ पे कंप्लीट होते हैं जाके इस तरह से। तो ये इस तरह से बन रहा है अभी, ठीक हो गया। और अब ये जो है बेसिकली हमारा जो मटीरियल है वो रेडी है, ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे चेंजेस थोड़ी स्टोर करनी है। अब फिर ये जो हमारी कर्व है, ठीक है, ये कर्व इसे शिफ्ट डी डुप्लीकेट कर लें, ठीक है, इस तरह करके छोड़ दें फिर से वापस, और इसे हम लोग कर्व डी कर के नाम से कहता हूँ मैं। फिर जो कर्व डुप्लीकेट वाली है सर, टैब द्वारा एडिट में चल जाएँ, और जो उसकी एक साइड है ये, ठीक है, उसे ई एक्स के साइड पर ले जाएँ थोड़ा सा इतना सा, और जो दूसरी साइड है उसे भी इसी तरह से ई जेड में करके नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, और फिर ई एक्स साइड पर सिर्फ ले जाता हूँ, ठीक हो गया। और जो एम्प्टी है उसे सेलेक्ट करें जी, और एक्सेस साइड के ऊपर लें, ये तकरीबन जो उसकी स्टार्ट है ना कर्व के इसके साथ ही लें, बल्कि जी एक्सेस से वापस वहीं पे ले जाते हैं क्योंकि ओरिजिन वहाँ पे मसला है। तो एम टी के ऊपर हम लोग एक वो लगाएंगे कंस्ट्रेंट लगाएंगे, ठीक है, फॉलो पाथ वाला कंस्ट्रेंट,
और जो पाथ जो डुप्लीकेट वाला पाथ है ठीक है, जो हमने लेंथ की है उसे सेलेक्ट कर लें ठीक है, और एनिमेट पाथ के ऊपर कर दें ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिकली वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब मैं मटेरियल प्रीव्यू में चला जाता हूँ एक मिनट के लिए, ठीक हो गया। तो मैं प्ले करता हूँ उससे, ये देखिएगा अब इस तरह से देखने में अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी रोटेशन भी हमने प्रॉपर सेट नहीं की हुई। तो इसे मैं वापस ले जाता हूँ ठीक। एक तो मसला यह है कि जो हमने जो मटेरियल है उसको इवन डिस्टेंस में ऐसे शायद नहीं किया हुआ। कितने कलर्स बने हैं, 3, 6, 6 कलर बने रहेंगे, 7 कलर में पूरे चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं ले आता हूँ उसे, ये सारों को इवन डिस्टेंस रखिएगा। मेरे इवन डिस्टेंस से रखा हुआ शायद थोड़ा मसला प्रॉब्लम भी होगा, तो इवन डिस्टेंस सबके दरमियान रखिएगा आप ठीक हो गया। और हम लोग फिर से 3D व्यू पर चले जाते हैं। मैं फिर से एक बार प्ले कार्ड का दिखाता हूँ। तो अब ये देखिएगा ये इस तरह से बिहेव कर रही है, इस वजह से बिहेव कर रहा है क्योंकि इसे रोटेशन इसकी जो है अभी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं ठीक है प्लेन को एम्प्टी जो है। तो सबसे पहले आप इस तरह कर लीजिए ना कि ये जो है रेनबो वाला जो ये है इसे सेलेक्ट करें ठीक है, और कंट्रोल एस बाकी ऑल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लें, इस वजह से हमारा मसला आ रहा था। और फिर एम्प्टी को सेलेक्ट करते हैं हम लोग ठीक है, प्ले से करें। तो ये देखिएगा ये इस तरह से क्रिएट कर रहा है लेकिन प्रॉब्लमेटिक थोड़ा आ रहा है, मतलब वो अपियर हो रहा है गलत तरीके से अपियर हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो सारे तरीके से अपियर हो। तो यहाँ पर जब भी आते हैं एम्प्टी ठीक, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये थोड़ा इस तरह से ना हो, तो उसे रोटेट करें, इस तरह से रोटेट कर लें देखिए यहाँ से, ताकि उस तरह हो जाए ठीक। और फिर यहाँ पे आई दबा के की फ्रेम ऐड कर लें ठीक है, फिर से प्ले करें और फिर से आर रोटेट, इस तरह से रोटेट करते जाएं ये देखें इस तरह से, और फिर आई दबा दें ठीक है, ताकि इसकी शेप थोड़ा सा प्रॉपर ठीक होती जाए जहाँ पर हो जा रहा है। फिर इस तरह जाते जाते ये देखें फिर से वापस वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर से थोड़ा पीछे ले जाते हैं, तकरीबन यहाँ पे इसे वापस रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी। फिर से इसे रोटेट कर लें इस तरह करके, फिर यहाँ पर आके आई दबा के की फ्रेम, आई दबा के की फ्रेम दबा दें, लगा दें, फिर से आगे जाएँ ये देखें फिर से अभी इस तरह से मसला कर रहा है, तो इसे थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं ये, यहाँ पर फिर से रोटेट कर दें इस तरह से करके, और फिर आई दबा के की फ्रेम ऐड कर दें, फिर से आगे से प्ले करते जाएँ और फिर उस तरह से रोटेट करके इसका जो है की फ्रेम उस तरह से ऐड कर दें, आई दबा के फिर से प्ले करें, और ये देखेंगे इस तरह से वो प्रॉपर रेनबो अपीयर होगी। तो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ प्ले करके ठीक है, रेंडर्ड व्यू में इस पर हम लोग दिखाता हूँ आपको, उस तरह से वो एम्प्टी चेंज होता जाएगा, उस हिसाब से फिर जो उसकी रेनबो है वो प्रॉपर तरीके से देखें अपीयर हो रही है। तो सब ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है प्लेन की एंड में कंट्रोल ए दबा के ऑल ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई करनी है ठीक है, तभी वो जाकर सीधा से काम करेगा, वरना प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। तो उम्मीद है सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए। तो उम्मीद है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।